दिल्ली से जिया ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं रहे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने कुश्ती महासंघ को किया भंग, सभी पदाधिकारियों की प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों पर लगाई रोक। नए संघ के 45 दिन में होने जाएंगे चुनाव। दूसरी ओर जंतर मंतर पर महिला रेसलर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। न्याय की मांग को लेकर महिला पहलवान धरना प्रदर्शन कर रही है। चलिए इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं रहे। नए अध्यक्ष के लिए संघ के चुनाव 45 दिन में होने तय किए गए हैं। और दूसरी तरफ न्याय की मांग को लेकर महिला पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। साथ ही सभी पदाधिकारियों की प्रशासनिक और आर्थिक शक्तियों पर इस दौरान रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, दिल्ली से ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं रहे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है उन्हें। साथ ही सभी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारी जो थे उस दौरान, उनकी आर्थिक शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आपको बता दें, लंबे समय से महिला रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। ऐसे में आज ब्रजभूषण शरण सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब वे कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं रहे। बड़ी खबर इस वक्त की, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन ने कुश्ती महासंघ को भंग कर दिया है। नए संघ के 45 दिन में चुनाव होंगे। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर लगातार महिला रेसलर्स का धरना प्रदर्शन जारी है। न्याय की मांग को लेकर महिला रेसलर्स धरना प्रदर्शन कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अब अध्यक्ष नहीं रहे। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, बड़ी खबर है, ब्रजभूषण शरण सिंह जो है अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं रहे। ऐसे में जो रेसलर्स प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रही है उन्हें लेकर, क्या कुछ राहत की खबर है उनके लिए? राजीव, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल, देखिए, न्याय की मांग को लेकर के जो महिला रेसलर्स हैं आज भी धरने पे बैठी हुई हैं, उन लोगों की मांग यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। पूरे मामले पर अगर बात किया जाए तो जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह थे, तो अब वो अध्यक्ष पद पर नहीं है, क्योंकि ओलंपिक एसोसिएशन ने 13 तारीख को इस पूरे संघ को भंग कर दिया था। अब किसी के पास कोई पावर नहीं है, तो मतलब अब 45 दिन के बाद फिर चुनाव होगा कुश्ती महासंघ का, तो अगला अध्यक्ष कौन होगा ये तो समय की बात है। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं है। लगातार जो है महिला रेसलर्स जो है जंतर मंतर पे अपनी मांगों को लेकर के आवाज बुलंद कर रही है। उनकी यही मांग है कि इन्होंने यौन शोषण किया है तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हालांकि पूरे मामले में अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया था, जांच कमेटी गठित कर दिया गया है, SIT का गठन किया गया है, ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। तो अब लगातार गिरफ्तारी की जो मांग है वह महिला रेसलर्स की तरफ से गिरफ्तारी की मांग बनी हुई है। और पूरे मामले पर अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह का यही बयान आ रहा है कि इनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है पूरी तरह से वह गलत है, निराधार आरोप लगाया गया है। उन्होंने किसी प्रकार का कहीं पे कोई मतलब जो ब्लेम चार्ज किया जाएगा ऐसा इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रहा है। पूरे मामले को अगर देखा जाए तो लगातार जिस तरह से राजनीतिक दलों का उनको समर्थन मिला, महिला रेसलर्स को, खाप पंचायत का मिला, किसान संगठन को मिला, उसके बाद अब कहीं ना कहीं इस मामले में तमाम डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि 21 मई तक का जो है उन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है, महिला रेसलर्स और किसान संगठन ने 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। इसको लेकर पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके ठीक पहले देखा जाए तो ओलंपिक एसोसिएशन ने जो है कुश्ती महासंघ को भंग कर दिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। जी राजीव, देखिए, अब अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ऐसे में महिला रेसलर्स जो कि काफी दिनों से धरने पर बैठी है, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? मुश्किलें बढ़ सकती हैं अब ब्रजभूषण शरण सिंह की? जी राजीव,
बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महिला रेसलर्स का जो स्टेटमेंट है, जिस तरह से आरोप उन लोगों का है, अगर इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और ऐसे में पार्टी बिल्कुल बिल्कुल अगर देखा जाए तो मुश्किलें बढ़ती हुई आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से महिला रेसलर्स इनके ऊपर जो आरोप लगाई हैं, अगर उसमें कहीं भी कोई सत्यता पाई जाती है तो आने वाले समय में कहा जा सकता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तमाम चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो सांसद हैं। सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है तो जनमानस में एक गलत मैसेज भी जाएगा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है उनको लेकर के। बिल्कुल, कुल मिलाकर के देखा जाए तो आने वाले समय में ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी पुलिस ने बयान दर्ज किया है और अभी महिला रेसलर का जो धरना है वो लगातार जारी है। उनकी यही मांग है कि पूरे मामले में जिन धाराओं में इनके ऊपर FIR दर्ज किया गया है, आखिर पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है, बड़ा सवाल यही है। और इन्हीं मांगों को लेकर के लोग धरने पर बैठे हैं, और जो समर्थन भी मिल रहा है खाप पंचायत का या किसान संगठनों का, उनका भी यही कहना है कि जिन धाराओं में नाबालिग के साथ जो इन्होंने दुराचार किया है या महिलाओं का जो आरोप है, अगर पूरे मामले में जो धारा लगे हैं उनके ऊपर इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो आखिर इनको बचा कौन रहा है, सवाल यह है। और जो किसान संगठन और महिला रेसलर के तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया 21 मई तक का, तो ऐसे में अब 21 मई तक के पहले देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का अब क्या बयान आता है या दिल्ली पुलिस क्या एक्शन लेती है इस पूरे मामले में। लेकिन महिला रेसलर्स की यही मांग है कि इनकी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ये लोग धरने से उठेंगे नहीं, अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि अब ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष नहीं रहे हैं।